आत्म नमस्ते। अरे अरे शिल्पा जी नमस्ते, हमारे साथ चलना थोड़ा योगा अपने पति को भी सिखा दो, पता नहीं चला किस किस एंगल से कौन कौन से पोजीशन में करवाते हैं, समझ रहे हो? बंद करो फिलहाल, बंद करो इसे, क्योंकि क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ओ भाई साहब आगे सारे तो बोलो, इसे जानते हो? ये वही है जिसमें हमारे शिल्पा जी के पति परमेश्वर, ओ सॉरी पति पौर्णेश्वर अपने कंटेंट प्रोड्यूस करते थे। बता क्या रहा है? बता क्या रहा है? तूने तो सब्सक्रिप्शन भी लेके रखा था। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, आज शपथ में मैंने कभी नहीं देखा। नहीं देखा वो भी बेटी चोट। अब देखो मैं उनके बनाए हुए कंटेंट तो यहाँ पे नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं? नो वे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब मैं आपकी वीडियोस पे अच्छे से रिसर्च कर रहा था, मैं खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था बे। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, जितने शानदार विचार रखते हैं। राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। सबूत मतलब समझ रहे हो ना? हाँ? अरे दीदी दीदी हमें भी दिखाओ ना यार थोड़ा सा सबूत, दिखाओ ना प्लीज। खत्म। अरे ऐसा मत करो यार, एटलीस्ट ब्लर करके तो दिखा ही सकते थे। अरे साले, नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाट इज दिस बिहेवियर मैन? यू कांट डू दिस विद मी, दिस इज नॉट फेयर यार। यू हैव टू शो मी द ब्लडी फकिंग और साले मुंबई पुलिस वाले साले दिमाग में लग फस गए क्या तुम्हारे? हॉटशॉट वाले को तो पकड़ लिया, इट्स ओके। तो क्या हुआ बहन? सबसे पहले जाके उल्लू के डायरेक्टर को पकड़ो। साले डे बाय डे सेक्स टाइम के साथ साथ स्पीड भी बढ़ाया जा रहा है। कैसे बर्थडे पे गिफ्ट काफी सारे मिलेंगे इस बार तो? अरे नहीं यार है? बस प्यार मिला है, मैं उसी में खुश हूँ। प्यार मतलब नहीं, इनका प्यार भी ऐसा मतलब डायमंड रिंग, ये तो सब बड़ी कॉमन चीज हो गई अभी। बिल्कुल नहीं। तो गिफ्ट क्या मिला फिर इस बार बताना जरूरी है? लगता है इन्होंने शिल्पा जी को अपने कुछ कंटेंट दिए, इसीलिए तो वो नहीं दिखा रही है। नॉटी गर्ल, नॉटी गर्ल है। देख लो भाजी, एक आदमी इतने सारे बिजनेस संभालते हैं ये, उसके बावजूद आपको कहीं ना कहीं फिल्म स्टार के साथ फुटबॉल मैच खेलते दिख जाएंगे, कभी ये फ्लाइट में दिख जाएंगे आपको, कभी न्यूज में कुछ आ रहा है, कभी कहीं पे घूम रहे हैं, कभी शॉपिंग जा रहे हैं। पाजी हमें भी आइडिया बताओ यार कि बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो? क्या कपिल बाजी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो यार? जिस हवेली पे शूटिंग चलते है ना, जाके देख लेना, पता चल जाएगा कि ये भाई साहब पैसे कैसे कमाते हैं। ये गलत फहमी है, ही रियली वो इतने हार्ड वर्किंग है, मैं बता नहीं सकती। ही इज सच अ हार्ड वर्किंग मैन। जी हाँ तुमने सही सुना, राज कुंद्रा जी हर दिन सॉरी हर रात हमारे अनन्या पांडे से ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। कहाँ बेड पे? देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, तो ठुकाई कितनी होगी? एंड वही तो इनका कंटेंट है यार। पैसा ही पैसा होगा। खैर तो अब हम बात करेंगे अरमान मलिक की, नहीं इन भाई साहब की। देखो इस अरमान मलिक और इस अरमान मलिक में उतना डिफरेंस है जितने कि शिल्पा जी और उनके पति में। एक हमें योगा सूत्र सिखाती है तो दूसरे काम सूत्र। अब देखो अरमान भाई की ना एक नहीं दो दो बीबियां हैं, और भाई साहब दोनों की दोनों यार कितनी औसम है। इन तीनों का ना सुबह से शाम तक बस एक ही काम रहता है, वॉकिंग सड़क पे नहीं रील्स पे। अब अगर तुम कपिल पाजी होते और तुम्हारा क्वेश्चन होता ना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो, बस ये तीनों तुम्हारे लिए परफेक्ट एग्जांपल है। क्या आप भी लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय झाटू कॉइंस। देखो ये फोन वन में इन्वेस्ट करने से अच्छा तुम झाटू कॉइंस में इन्वेस्ट करो, बहुत आसान है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर तुम हमारी जितनी भी वीडियो देखोगे तुम्हें उतने झाटू कॉइंस मिलेंगे। मादरचोद। और वैसे भी अभी मार्केट में एक झाटू कॉइंस $1 billion के बराबर चल रहा है। बैक टू द टॉपिक। देखो अरमान भाई की जिंदगी ना मस्त एकदम, सर हमारी जिंदगी में पता नहीं कि ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन अरमान भाई की जिंदगी में हर एक चीज मजेदार। मजेदार किचन है, बहुत ही मजेदार रूम है, मजेदार पार्क है यहाँ पे, मजेदार बिल्डिंग है यहाँ पे, मजेदार सा रूम है, बहुत ही मजेदार फ्लैट है, मजेदार चाय बन रही है। अरमान भाई का वीडियो मजेदार, भाई का चाय मजेदार, भाई का कमरा मजेदार, भाई का बेड मजेदार, ये मजेदार वो मजेदार, सर अरमान भाई की दोनों बीबियां ही मजेदार।
इनसे मिलिए। ये अरमान भाई की पहली बीबी पायल और ये उनकी दूसरी बीबी कृतिका या गोलू जो कि पहले पायल की सहेली थी। तो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि कृतिका अपनी सहेली पायल के घर 7 दिनों तक कुछ प्रॉब्लम्स के चलते रुकी थी। तो हमने पूरे 7 दिन साथ में टाइम स्पेंड किया, सब कुछ मतलब वीडियोस बनाना सब कुछ। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे 7 दिन में प्यार हो गया, सही है। ऐसा खतरनाक मानुष तुमने आज तक नहीं देखा होगा। अपनी भी पत्नी के सहेली को इस कदर बस में करना तो कोई इनसे सीखे। और तुम दोनों रुको, अरे रुको जरा। तुम लोग नहीं नए नए सहेलियाँ बनाना बंद करो, अदरवाइज ये इंसान ना इस आदमी के 39 बीबियों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। और अरमान भाई को ना एक बहुत ही गलती लेवल की गलत फहमी है। सब बता दे, एड्रेस भी बता दे, कौन से फ्लोर पे रहते हैं। नहीं बता दे, बता दे। कोई थोड़ी आएगा, प्यार करते हैं बेटा आपको थोड़े बहुत लोग। 2.8 मिलियन भाई, 2.8 मिलियन, इसे थोड़ा बहुत तो मत बोल देना। और तुम्हारी वीडियो में ना 99.999% लोग तुम्हें नहीं आंखें फाड़ फाड़ कर इनको देखने आते हैं। ये थंबनेल देखो, 55,000 व्यूज। और अब ये थंबनेल देखो सालो, तुम लोग ये बताओ अभी औरत देखे नहीं है क्या ठनकी। So that's it for today and पिछले वीडियो में जो तुमने सपोर्ट दिखाया उसके लिए यार थैंक यू वेरी मच। और सुनने में आ रहा है कि रजत पवार ने हमें इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया।